नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के ऐसे लोक देवता, जिसको राजस्थान में नहीं पूरे भारत वर्ष में पूजा जाता है, जहाँ जहाँ पर भी गुजर जाति निवास करती है, जहाँ जहाँ पर भी गायों को पालने वाले राजस्थान के वो जाति, जिसके इतिहास से, जिसके शौर्य से, जिसकी गाथाओं से भारत का प्रत्येक राज्य परिचित है, ऐसी गुजर जाति के अंदर पैदा हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री देव नारायण भगवान की एक कथा, एक बहुत ही बढ़िया रोचक कथा भगवान श्री देव नारायण विष्णु के अवतार की मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। भगवान श्री देव नारायण से संबंधित राजस्थान की परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न संबंधित हो सकते हैं और किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भगवान श्री देवनारायण की शिक्षाएं काम आ सकती है, किस प्रकार का इतिहास गुजर जाति का रहा होगा, किस प्रकार गुजर जाति ने अपने वचनों के खातिर अपने शीश ही दान दे दिए, ऐसी जाति पराक्रमी वीर योद्धा जाति के विषय में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री देवनारायण को पढ़ने से पहले मेरे तमाम स्टूडेंट जो भी मुझे इस पर लाइव देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ खड़े करके भगवान श्री देवनारायण का जयकार करेंगे, ताकि भगवान श्री देवनारायण आपको इतनी शक्ति देगा कि इनकी तमाम बातें आप हमेशा ही जीवन में याद रखोगे और आप भगवान श्री देवनारायण की शिक्षाओं पर चलोगे। तो बच्चे आप सभी बोलेंगे, बोलिए श्री देवनारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री देवनारायण को नमन करता हुआ इनकी कथा को मैं हमारे राजस्थान जीके में जोड़ता हुआ आगे बढ़ाता हूँ। और पहला ही प्रश्न जो भगवान श्री देवनारायण का पूछा जा सकता है बच्चों, वह बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भगवान श्री देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, भगवान श्री देवनारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान श्री देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। ध्यान रखेंगे, भगवान श्री जो देव नारायण थे, इनके वंश की अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो ये नाग वंशीय भगड़ावत गुजर थे। भगवान श्री देव नारायण कौन थे? नाग वंशीय भगड़ावत गुजर। प्रारंभ में इनका निवास कहाँ पर था बच्चों? आप बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में इनका निवास नाग पहाड़ अजमेर था। इन्हीं के नाम पर ये नाग वंशी हुए। नाग पहाड़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। ध्यान रखेंगे आप, जो भगड़ावतों की जो कहानी आती है, जो भगवान श्री देवनारायण की फड़ आती है, उसमें हमें ऐसा बताया जाता है कि भगड़ावत गुजरों की चौहान शाखा से निकले थे। और चौहान शाखा से कैसे निकले मैं आपको बताता हूं कि चौहानों में जो थे वो थे जिनका नाम था मांडल जी। आप ध्यान रखेंगे, मांडल जी चौहान। जितने भी मेरे भाई इसे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको दूंगा, प्लीज आप वीडियो पूरा देखेंगे। चौहानों में कौन पैदा हुए बच्चों? मांडल जी चौहान। और मांडल जी चौहान के जो पुत्र थे उनका नाम था बच्चों हीरा राम जी चौहान। कौन थे बच्चों? हीरा राम जी चौहान। और हीरा राम जी चौहान के जो पैदा हुए उनका नाम था बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, बाघ सिंह जी। कौन थे बच्चों? बाघ सिंह जी। और ध्यान रखेंगे आप, बाघ सिंह जी के 24 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए बाघ सिंह जी के? 24 पुत्र। और बाघ सिंह जी के इन 24 पुत्रों को इन्हीं के नाम पर क्या कहा गया? भगड़ावत कहा गया। जैसे भगवान श्री राम रघु के वंश में, राजा रघु के वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए उनके वंश को क्या कह दिया? रघुकुल। वैसे ही भगवान श्री देवनारायण के दादाजी बाघ सिंह जी बहुत पराक्रमी थे। इन्होंने गायों की रक्षा की, इन्होंने स्त्रियों की रक्षा की, इन्होंने हमारे समाज में कमजोर व्यक्तियों की रक्षा की, इसलिए बाघ सिंह जी के 24 पुत्र हुए। और बाघ सिंह जी से 24 पुत्रों से कौन सी शाखा अपने सामने आती है? भगड़ावत। इन्हीं भगड़ावतों में सबसे ऊपर ज्येष्ठ पुत्र थे बच्चों सवाई भोज। जो सवाई भोज इनके क्या थे? इनके पिता थे। तो आप ध्यान रखेंगे,
कि इनके जो पिताजी थे भगवान श्री देवनारायण के पिताजी का नाम क्या था, सवाई भोज। ये आपको ध्यान रखना है। और सवाई भोज का जो विवाह हुआ था बच्चों, आप लोगों को पता रखना है सवाई भोज का विवाह कहाँ पर हुआ था, देवास मध्य प्रदेश में। किसके साथ? साडू माता के साथ, शेडू खटाणी। ये गुजरों के खटाणा गोत्र की थी इसलिए इसको शेडू खटाणी कहा जाता है। और ये साडू माता की खुद से ही हमारे भगवान श्री देवनारायण कमल के पुष्प में अवतरित होते हैं। तो पिताजी का नाम क्या था, सवाई भोज। माता का नाम क्या था, शेडू खटाणी। आप ध्यान रखेंगे कि जिनके जो पिताजी थे सवाई भोज, इनका इस प्रकार एक राज्य था और ये इधर आसिंध से इधर भीलवाड़ा की तरफ इधर की साइड पर था। और इधर जो था बच्चों बिनाई, एक राण नामक गांव था जहाँ पर जो पड़ता था बिनाई में। और बिनाई का शासक कौन था, ये आप ध्यान रखेंगे, दुर्जन सिंह। बिनाई का शासक कौन था, दुर्जन सिंह। और इधर इस सीमा के इधर के राजा कौन थे, सवाई भोज। और यहाँ पर बच्चों एक गांव पड़ता था जिसका नाम था पिलोधा। क्या गांव पड़ता था, पिलोधा। और ये दोनों के इधर से जो वापस से किसका राज्य आ जाता है, सवाई भोज का। किसका राज्य आ गया, सवाई भोज का। तो आप ध्यान रखेंगे राण बिनाई का जो शासक था वह कौन था, दुर्जन सिंह, और सवाई भोज इधर के शासक थे। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, रानी जयमती, एक जयमती जी का भी उल्लेख आता है। और ये जयमती जी पिलोदा से थी। और पिलोदा की जो जनता थी, ये पिलोदा की जनता सवाई भोज को अपना राजा मानती थी, जबकि दुर्जन सिंह जी जबरदस्ती इनको अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इनकी बात को लेकर के दोनों की मीटिंग होती है तो सवाई भोज जी कहते हैं कि यहाँ की जनता से पूछ लो, अगर ये मुझे राजा मानती है तो मैं इनका राजा हूँ, फिर मैं इनकी रक्षा करूँगा। और अगर ये आपको मानते तो फिर आपके इनके राजा हो, आप इनकी रक्षा करना। तो जयमती ने ऐसा संग्रह करवाया जिसमें सभी लोगों ने अपना राजा किसे चुना, सवाई भोज को चुना। और सवाई भोज को अपना राजा चुना तो बिनाई का शासक दुर्जन सिंह इनसे क्या हो गया, नाराज हो गया। सवाई भोज ने जयमती को वचन दे दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपने मुझे अपना राजा माना है तो मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं आपको जब तक जीवित रहूंगा आज नहीं आने दूंगा। इधर दुर्जन सिंह क्या करता है, बहुत सारी सेनाएं इकट्ठी करके सवाई भोज की तरफ युद्ध के लिए आ जाता है। तो सवाई भोज भी वचन दे चुके थे, गुजर थे, पीछे नहीं हटे और अपने सभी सेनाओं को लेकर के, अपने 24 बगड़ावतों को लेकर के ये युद्ध में आ जाते हैं। और इस युद्ध में जयमती को दिए गए वचन, अपने वचनों को निभाने के लिए 24 बगड़ावतों ने अपने शीश ही दान कर दिए, 24 बगड़ावतों ने अपने गर्दने कटा दी। इन सभी तमाम शहीद बगड़ावतों की छत्रियां देवमाली ब्यावर अजमेर में स्थित है बच्चों, जहां पर चट्टानें भी ऐसे झुक करके इनके सम्मान किया करती है, इनको प्रणाम किया करती है। कभी जाकर के आप जरूर देखना देवमाली ब्यावर अजमेर में कि किस प्रकार शहीद बगड़ावतों को चट्टानें नमन करती है। आपको पता होगा कि जब सवाई भोज की इस युद्ध में मृत्यु हो गई तो हमारे राजस्थान में ऐसे रीति रिवाज रहे हैं। आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे कथा आपको सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा। और भगवान श्री देवनारायण आपके जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही सवाई भोज की मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर एक ऐसी रीति रिवाज रही है, एक ऐसी प्रथा रही है कि पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों अपने पियर लेकर के आती है। तो और इधर ये दुर्जन सिंह सोचता है कि साडू माता अभी जीवित हैं और इस साडू माता को मार दिया जाए तो फिर यहाँ के परमानेंट शासक अपन ही हो जाएंगे। इस प्रकार की उसके मन में आ रहा था विचार कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, और इधर साडू माता इस रीति को पूरा करने के लिए कुछ दिनों अपने पियर देवास मध्य प्रदेश जाने के लिए अपने घर से निकलती है। इसी बीच बच्चों क्या होता है, भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री देवनारायण का जन्म होता है। कैसे होता है कि साडू खटाणी इसको पूरा करने के लिए अपने पियर देवास मध्य प्रदेश जा रहे थे, तभी गोटा दड़ावत है। आप ध्यान रखेंगे गोटा दड़ावत है। और ये गोटा दड़ावत कहां पर पड़ता है, मालाशेरी के जंगलों में। मालाशेरी के जंगलों में गोटा दड़ावत नामक स्थान पर
माघ शुक्ला षष्ठमी के दिन, ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, माघ शुक्ला षष्ठमी बहुत सारे इसको साता कर देते हैं, देव जी की साता सप्तमी, लेकिन साता की साई रात को आप ध्यान रखेंगे, साता के जस्ट पहले की शाम को भगवान विष्णु के अवतार श्री देव नारायण का जन्म हुआ था। माला श्री के जंगलों में श्री गोटा दड़ावत नामक स्थान पर माघ शुक्ला षष्ठमी के दिन साई काल के समय भगवान श्री देव का जन्म होता है। और ध्यान रखेंगे इस वक्त जन्म कैसे होता है कि यहां पर एक अनंत सुरंग है जो आज भी विद्यमान है, जहां पर भगवान नारायण का मंदिर बन रखा है। इसी अनंत सुरंग से एक पठार है, उस पठार को फाड़ करके, ध्यान रखेंगे वो फटा हुआ पठार आज भी मौजूद है, हमारी कथाएं झूठी नहीं है, इसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध है। आप जाकर के देख करके आइए अनंत सुरंग को, आप उस पहाड़ को देख करके आइए, वो पहाड़ से फाट करके एक कमल का पुष्प अवतरित होता है और उस कमल के पुष्प से ही विष्णु के अवतार भगवान श्री देव नारायण का जन्म होता है। कमल पुष्प से राजस्थान के कौन से लोक देवता का अवतार कमल पुष्प से माना जाता है? तो राजस्थान में भगवान श्री देव नारायण का अवतार कमल पुष्प से माता साडू की झोली में आते ये बालक बन जाते हैं। और किस प्रकार हम लोगों की सहयोग सहायता करते हैं पूरा सुनेंगे। अनंत सुरंग से ये प्रकट हुए थे, आप ध्यान रखेंगे जो भी यहां स्थित है, और गोटा दड़ावत नामक गांव में जो माला श्री के जंगलों में पड़ता है बच्चों, वहां पर माघ शुक्ला षष्ठमी के दिन भगवान श्री देव नारायण का क्या होता है, जन्म होता है। जब भगवान श्री देव नारायण का जन्म होता है उस वक्त तमाम देवी देवताएं क्या करते हैं कि इस पहाड़ को ही, आसपास के भूभाग को ही सोने का कर देते हैं। तमाम देवताएं फूलों की बरसात करते हैं और भगवान श्री देव नारायण को इस धरातल पर लोगों के रक्षा के लिए आने के लिए सभी देवता उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं। और ऐसे भगवान श्री देव नारायण को मैं नमन करता हुआ इनकी और आगे की बात आपको मैं बताता हूं। इनको ले जा करके अपने गांव देवास मध्य प्रदेश, जो भगवान श्री देव नारायण का ननियाल है, इसलिए तो बच्चों में आजकल क्या कहते हैं, मामा जी का माड़वा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गोटा दड़ावत नामक गांव में इनका क्या हो गया बच्चों, जन्म हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भगवान देव नारायण की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी, तो भगवान श्री देव नारायण की शिक्षा दीक्षा जो हुई थी बच्चों, वह देवास मध्य प्रदेश में हुई थी। भगवान श्री देव नारायण की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा इनके ननियाल देवास मध्य प्रदेश में हुई थी। इनका ननियाल कहां पर था, देवास मध्य प्रदेश, और इसी क्षेत्र को मामा जी का माड़वा कहा जाता है, जहां पर आज भी हम जब भी जाते हैं दर्शन करके आते हैं। मैं भी गया और आप भी कभी जाए तो जरूर मामा जी के माड़वे में आप लोग होकर के आना, धन्य हो जाएंगे। इनके जो बचपन का नाम रखा बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे, इनके बचपन का नाम उदय सिंह रखा। हमें क्या मिलता है, उदय सिंह, और इनको प्यार से इनके मामा जी क्या कहते थे, उदा कहते थे। तो उदय सिंह जी देव नारायण भगवान के बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा दीक्षा होने के बाद इनको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान हो गया बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद के ज्ञाता हो गए, आयुर्वेद आप समझते ही हैं, राजस्थान में इन्हें किस लोक देवता को आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, तो भगवान श्री देव नारायण को राजस्थान में आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता की अगर हम बातचीत करें तो देखो, आयुर्वेद में भगवान श्री देव नारायण ने नीम की पत्तियों का, ध्यान रखेंगे, नीम की पत्तियों का और गोमूत्र का उपयोग किया था। राजस्थान के अंदर नीम की पत्तियों और गोमूत्र से सभी लोगों का इलाज किसने किया था, तो भगवान श्री देव नारायण ने किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहते हैं। इनके आयुर्वेद की चर्चाएं बच्चों दूर दूर तक होने लगी, और मध्य प्रदेश का एक स्थान था जिसका नाम था बच्चों धार। आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के
धार का एक राजा था जिसका नाम था बच्चों जय सिंह, और मध्य प्रदेश के धार नरेश जय सिंह मैं लिख देता हूं ताकि आपके काम आ जाए। और धार नरेश इस जय सिंह की बीमार पुत्री, आप सभी जानते होंगे धार नरेश जय सिंह की बीमार पुत्री का नाम क्या था, पीपलदे। और ये पीपलदे क्या थी बच्चों, कोड रोग से ग्रसित थी। पीपलदे को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और पीपलदे ने जब मानव रूप में लोगों के सेवा के लिए अवतार लिया, जब उस वक्त ये जो थी कोड रोग से ग्रसित थी, राजा धार के यहाँ पर इन्होंने अवतार लिया था, और धार राजा जय सिंह के यहाँ धार में इन्होंने अवतार लिया था। जय सिंह ने जब भगवान देव नारायण के बारे में सुना कि बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, तो इनको अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भगवान श्री देव नारायण 24 घंटे ही दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धार चले गए। वहां जाकर के इन्होंने 3-4 दिन वहीं रह करके इसका अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया और इसे ठीक किया। और ठीक कर वापस आ रहे थे तो इन्होंने जय सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक साहब, क्योंकि डॉक्टर का काम करते थे, तो आप कुछ तो लेकर के जाइए। हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो पैसे लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो लाखों रुपए लेते हैं, ऐसी स्थिति में इनको पैसे दे रहे थे, तो पैसे के रूप में इनके मेहनताने के रूप में कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने अपनी पुत्री को ही, इन्होंने इस पीपल दे को ही भगवान श्री देवनारायण को दे दिया, और इन्होंने भी इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसे अपनी पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तो भगवान श्री देवनारायण की पत्नी कौन है, पीपल दे है, जिसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ये जय सिंह जी जो धार के नरेश थे, ये जय सिंह जी जो धार मध्य प्रदेश के नरेश थे, उनकी पुत्री थी, ये सब ध्यान रखेंगे। पीपल दे से विवाह करने के बाद भगवान श्री देवनारायण अपने ननियाल देवास मध्य प्रदेश में रहते हैं, और ऊंचे ऊंचे महल इनके वहाँ पर बने हुए, ऐसे ऊंचे महलों में एक दिन सो रहे थे, तभी राजस्थान से एक छोटू भाट जाता है। ध्यान रखेंगे आप, छोटू भाट के कहने पर भगवान श्री देवनारायण पुनः राजस्थान आते हैं। छोटू भाट के कहने पर भगवान श्री देव नारायण पुण्य कहाँ आते हैं, राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में आकर के पिलोधा को, ध्यान रखेंगे आप, पिलोदा को वापस अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। जो लड़ाई थी पिलोदा की थी बच्चों, और छोटू भाट के कहने पर भगवान श्री देवनारायण वापस आते हैं, पिलोदा को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, और अपने अग्रज, अग्रज का मतलब आगे पैदा होने वाला, और अपने अग्रज मेंदू का राज तिलक कर देते हैं। सारी मेहनत इन्होंने की लेकिन राजा खुद नहीं बने, इन्होंने मेंदू जी को बना दिया और अपने अंग्रेज मेंदू जी का राज तिलक कर दिया, इसलिए देवनारायण राजस्थान में राज्य क्रांति के जनक कहलाए। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, राज्य क्रांति के जनक कहलाए कि सारी मेहनत तो और करे और राजा किसी और को बना दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा केवल अवतारी पुरुष ही कर सकता है, और ये किया है भगवान श्री देवनारायण ने। अपने अग्रज मेंदू का राज तिलक करके राज्य क्रांति के जनक कहलाए। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं, तो ये अवतारी पुरुष थे, इन्होंने अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी जी को कहा कि अब हमारा समय वापस आ गया है जाने का। तब इनके कहने पर कि भगड़ावतों की शाखा आप जरूर चला करके जाइए, तो इनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। ध्यान रखेंगे आप, इनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई, पुत्र का नाम तो था बच्चों भीला और पुत्री का नाम था क्या, भीली। और एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर के अपने वंश को, सवाई भोज के वंश को आगे बढ़ाते हुए, आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन देवमाली ब्यावर अजमेर में, कहां पर बच्चों, देवमाली ब्यावर अजमेर में अपनी देह को त्याग दिया। देवमाली ब्यावर अजमेर में अपनी देह को त्याग दिया। इसी देवमाली ब्यावर अजमेर में भीला भीली ने तपस्या की थी, और देवमाली ब्यावर अजमेर में देव जी का जो प्रथम पुजारी हुआ, देव जी का प्रथम जो भोपा हुआ, वो इन्हीं का पुत्र भीला जी थे, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे।
राजस्थान में जहाँ जहाँ पर भी देव जी के मंदिर बने हुए हैं बच्चों, आप ध्यान रखेंगे देव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस प्रकार ये देव जी का मंदिर है और देव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। और देव जी के मंदिर में देवरा जो है इसमें पूजा किसकी की जाती है, तो इसमें पूजा ऐसे बड़ी बड़ी ईंटों की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों, देव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वह ईंटें हैं, पूछा जा सकता है। देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ईंट है। इसलिए देव जी का एक और उपनाम मिलता है बच्चों, ईंटों का श्याम। आपसे पूछ लिया जाए कि ईंटों का श्याम किसे कहते हैं, तो भगवान श्री देव नारायण को ईंटों का श्याम कहते हैं। ईंटों के श्याम की जय हो, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि ईंटें आती कहाँ से हैं, तो राजस्थान में भगवान श्री देवनारायण के वीर सहयोगी पुरुष कौन थे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो राजस्थान में भगवान श्री देवनारायण के वीर सहयोगी पुरुष थे जिनका नाम था माकड़ जी। कौन थे बच्चों, माकड़ जी। और राजस्थान में माकड़ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आप लोगों को पता है इस प्रकार ये नागपाड़ है और नागपाड़ के ऊपर ही क्या बना हुआ है बच्चों, माकड़ जी का मंदिर। और माकड़ जी का जो मेला लगता है वह आश्विन शुक्ला नवमी के दिन नवरात्रों में लगता है। और ये और ध्यान रखेंगे कि यहीं से ही देवनारायण भगवान की ईंटें निकलती है और यहीं से ही हम जोत जड़ा करके उन ईंटों को लेकर के आते हैं और ईंटों की श्याम की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनकी पूजा में नीम और गोमूत्र का, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी पूजा में नीम और गोमूत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। भगवान श्री देवनारायण को और मैं आगे ले जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनकी कथा देखते हैं। भगवान श्री देवनारायण की याद में गुजर जाति के भूपों द्वारा इनकी फट बांची जाती है, ध्यान रखेंगे आप। भगवान श्री देवनारायण की याद में किसके द्वारा, हमारे गुजर जाति के भोपों के द्वारा क्या बांची जाती है बच्चों, इनकी फड़ बांची जाती है। फड़ी, फड़ को हम समझेंगे, फड़ किसे कहेंगे, फड़ जो शब्द है ये फड़ से बना है, फड़ का अर्थ होता है पढ़ना। राजस्थान के किसी भी वीर पुरुष, लोक देवता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके चित्रों को हम किसमें कर दे, कपड़ों पर, मतलब कपड़े पर किया गया चित्रांकन ही क्या कहलाता है, फड़ी। और देवी देवताओं के चित्र अगर हम कागज पर बना दे तो वह क्या कहलाएंगे, पाने। और राजस्थान में पाने किसके प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी के, जबकि राजस्थान में फड़ किसकी प्रसिद्ध है बच्चों, फड प्रसिद्ध है भगवान श्री देवनारायण की। आपसे पूछ लिया जाए कि देवनारायण की फड किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे भगवान श्री देवनारायण की फड जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और ये जंतर वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है, ये तत् वाद्य यंत्र है, ये आप ध्यान रखेंगे। तत् वाद्य यंत्र जिनको तारों से बजाया जाए, तीन प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत् वाद्य यंत्र जिनको तारों से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक इस प्रकार का तुम्बा होता है, एक इस प्रकार का तुम्बा होता है, इनके ऊपर इस प्रकार न्यों लगे होती है और इन पर बच्चों इस प्रकार तार लगे होते हैं और इसमें 5 से 6 तार हुआ करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन तारों की संख्या कितनी होती है, 5 से 6 तार। आपसे पूछ लिया जाए कि जंतर में कितने तार होते हैं, 6। जंतर प्रारंभिक वीणा का रूप है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ इसे मोम से चिपकाया जाता है और इसके ऊपर कभी कभार मगरमच्छ की, प्राचीन समय में हमारे यहाँ मगरमच्छ की खाल भी इस पर लगाई जाती थी। तो इसी जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुजर जाति के भूपों के द्वारा क्या की जाती है, भगवान श्री देवनारायण की फड़ बांची जाती है, ध्यान रखेंगे। यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, भगवान श्री देवनारायण की। फड़ का मतलब फड़ना, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बांच रहा हूं, बांचना भी होता है। तो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किसकी है, भगवान श्री देवनारायण की, ध्यान रखेंगे आप।
राजस्थान में सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ किसकी है, जिस पर सबसे ज्यादा चित्र बन रहे हो वो फड़ किसकी है, भगवान श्री देवनारायण की। चित्रांकन की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे भगवान श्री देवनारायण की फड़ में 335 गीत हैं, ध्यान रखेंगे आप, और भगवान श्री देवनारायण की फड़ में 15,000 चित्र हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी कौन सी है, भगवान देवनारायण की। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी किन की है, भगवान देवनारायण की। और राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ भी किन की है, भगवान श्री देवनारायण की। फड़ किसे कहते हैं, कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही फड़ कहलाता है, जो शाहपुरा का जोशी परिवार इसे बनाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और प्रश्न है जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है, और राजस्थान की सबसे छोटी फड़ भी किन की है, भगवान देवनारायण की है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान की सबसे लंबी भी इन्हीं की है, और राजस्थान की सबसे बड़ी भी इन्हीं की है, और राजस्थान की सबसे छोटी भी इन्हीं की है, तो बड़ी भी है छोटी भी है कैसे हुई, तो आप ध्यान रखेंगे 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट या कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया, तो राजस्थान के अंदर भगवान श्री देवनारायण की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। बच्चों डाक टिकट इतना सा होता है, छोटा सा होता है, और उस छोटे से फड़ पर भगवान देवनारायण की फड़ को छाप दिया, इसलिए ये सबसे छोटी हो गई, टिकट के बराबर हो गई, और सबसे बड़ी भी यही है, और उस टिकट पर छपने के कारण सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है, यही है, ये सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बच्चों कि भगवान श्री देव नारायण पर एक मूवी भी बन चुकी है, और भगवान श्री देव नारायण की मूवी में जो देव नारायण का अभिनय किया था वो किया था नाथो सिंह गुर्जर ने। नाथो सिंह जी गुर्जर अजमेर से हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक सांसद और राजस्थान सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं भगवान श्री देवनारायण के विषय में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में भगवान देवनारायण के, भगवान नारायण के 4 मंदिर हैं। इनको पढ़ने से पहले इनके उपनाम आप ध्यान रखेंगे, विष्णु के अवतार कहा जाता है, इनको उदा कहा जाता है, इनको उदय कहा जाता है, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे ईंटों का श्याम कहा जाता है, नारायण कहा जाता है, श्री देव कहा जाता है, भगवान देवनारायण तो भगवान है, हरी अनंत, हरी कथा अनंता, इनके कई सारी कथाएं, तो आप इन सभी नामों को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान में इनके 4 प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों, जिनको 4 धाम कहा जाता है। लास्ट के अंदर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और तमाम विद्यार्थियों के साथ साथ मेरे ऐसे गुजर भाई, मेरे ऐसे दोस्त जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया और शानदार बात बता के जाऊंगा, जो आप जरूर जानेंगे और अच्छे से आप आपके जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। भगवान नारायण की ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 4 धाम, देव जी के राजस्थान में 4 प्रसिद्ध मंदिर है जिनको क्या कहते हैं, 4 धाम। और भगवान श्री देव नारायण का पहला जो प्रसिद्ध मंदिर आपको यहाँ पर मिलेगा वो है बच्चों आसिंद भील वाड़ा में। कहां पर मिलेगा, आसिंद भीलवाड़ा में। और आसिंद भीलवाड़ा में जो भगवान नारायण का मंदिर बना हुआ है, ये कौन सी नदी के किनारे पर है, इस प्रकार भी प्रश्न आ जाता है, तो खारी नदी के किनारे। और यहीं पर क्या है ये मंदिर, इनके साथ साथ सवाई भोज का मंदिर भी है, ये भी आपको यहीं मिलेगा, ऐसी बात आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में बच्चों इनका दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बन रहा है देवमाली ब्यावर अजमेर में, जिसको हम देमाड़िया कहते हैं। और देवमाली ब्यावर अजमेर में बहुत बढ़िया मंदिर इनका बना हुआ है, मैं क्या बताऊं, देवमाली ब्यावर अजमेर में तो इन बगड़ावतों की, इन वीरों की, इन
महान भक्तों के भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री देव नारायण के सम्मान में आप ऐसा अद्भुत नज़ारा देखेंगे कि चट्टानें भी झुक करके, प्रकृति भी झुक करके भगवान नारायण को प्रणाम कर रही है। आप प्लीज़ ज़रूर इस स्थान को देख करके आएंगे। देवमाली ब्यावर अजमेर में ही इन्होंने अपनी देह को त्यागा था। समस्त शहीद भगड़ावतों की छत्रियाँ भी यहीं पर बनी हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देव नारायण के पुत्र पुत्री भीला और भीली की तपस्या स्थल भी यहीं पर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे, भगवान श्री देवनारायण का अगला मंदिर राजस्थान में चार धाम है और आपको मिलेगा देव धाम। ये भी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पैदल पैदल जाया करते हैं। देव धाम ये पड़ता है बच्चों जोधपुरिया में, और जोधपुरिया है निवाई टोंक में, ये टोंक जिले में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देव धाम जोधपुरिया टोंक ये इनका तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अद्भुत समन्वय अगर आपको बताऊं तो ये डाई मासी और खारी नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान रखेंगे आप, देवधाम जोधपुरिया का जो मंदिर है ये डाई मासी और खारी नदियों के संगम पर है। और इस देवधाम के मंदिर पर बच्चों आप जरूर देख करके आए होंगे 24 भगड़ावतों की वीर गाथाओं के चित्र चित्रित हो रहे हैं। इनका राजस्थान में चौथा जो मंदिर है बच्चों देव डूंगरी, और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देव डूंगरी जो मंदिर है बच्चों ये है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़ का जो बहुत बड़ा महाराणा था जिसका नाम था राणा सांगा, राणा सांगा ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और चित्तौड़ का कौन सा महाराणा भगवान नारायण का बड़ा भक्त था, तो राणा सांगा भगवान श्री देव नारायण का बड़ा भक्त था, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान के इनके चार प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बातचीत करेंगे कि इनका जो घोड़ा था बच्चों में घोड़ा भूल गया आपको बताना, तो इनके घोड़े का नाम था लीलाधर, जिसे हम लीला घर के नाम से भी जानते हैं, और ये भी अवतारी घोड़ा था। इनका जन्म हुआ था उससे 6 दिन पहले इनके घोड़े का बच्चों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी, भगवान देव नारायण प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके सरे माता गाय का दर्शन किया करते थे। भगवान देव नारायण के पास 98,000 गायें थी, जिनको 1400 जो ग्वाले इन्होंने उनके लिए लगा रखे थे। सरे माता गाय जो है बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये भगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने हमारे सवाई भोज जी को प्रदान की थी। और भगवान देव नारायण उठ करके भगवान देव नारायण की प्रिय गाय का नाम क्या था, सरे माता। तो निश्चित ही बच्चों आपको भगवान श्री देव नारायण की कथा, भगवान श्री देव नारायण के जीवन से संबंधित रोचक जानकारियां पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी देव नारायण की कथा, देव नारायण से संबंधित राजस्थान के जीके के तमाम प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, आपको पसंद आए हो, तो जरूर लाइक और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। और प्लीज आप आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगले ही ऐसे रोचक देवताओं की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।